भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं पिछले कुछ समय से एमपी कांग्रेस में भगदड़ सी मची हुई है। इस बार भाजपा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने का पूरा जोर लगा रही है और कुछ हद तक कामयाब भी हुई है। अब शुक्रवार को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह भाजपा में शामिल हो गए। शाह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भगवा गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। शाह ने भाजपा में शामिल होने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा दिया। इसके बाद से ही उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। शाह 3 बार से विधायक है। पिछले चुनाव में शाह ने भाजपा प्रत्याशी मोनिका बट्टी को हराया था। शाह के साथ उनकी धर्मपत्नी हरई नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह और बहन जिला पंचायत सदस्य केसर नेताम ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। शाह की आदिवासी वोटरों में अच्छी पकड़ है। इससे पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में भाजपा लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ को झटके पर झटका दे रही है। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस के साथ पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ले ली थी। इससे पहले पुढ़ना नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घोटोड़े, 16 सरपंच समेत कई नेता भाजपा में शामिल हुए। वहीं कमलनाथ के करीबी से जाफर और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना और पूर्व मंत्री तेजीलाल सरयाम की बहू सुगावती सरयाम भी भाजपा छोड़ चुकी है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा को 2014 में मोदी लहर के बावजूद जीत नहीं मिली थी। यहां से कमलनाथ ने 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता और वो 2 बार यहां से विधायक भी बने। पिछली बार 2019 में छिंदवाड़ा ही एकमात्र सीट थी जिसे भाजपा जीतने में असफल रही थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को भाजपा में शामिल होने को लेकर अटकलें लगी, लेकिन जब ये विफल हो गई तो भाजपा ने उनके करीबियों को तोड़ने की चाल चली। छिंदवाड़ा में भाजपा के पदाधिकारी हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करने का दावा कर रहे हैं। वहीं पिछली बार नकुलनाथ को लोकसभा चुनाव में करीब 37,000 वोट से जीत मिली थी। वहीं कमलनाथ भी विधानसभा का चुनाव 25,000 वोटों से जीते। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पूर्व सीएम को अपना गढ़ बचाना बड़ी चुनौती होगा।